नमस्कार सभी को, यूथरीज ई-लर्निंग प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इससे नेक्स्ट वीडियो में हमने किया था 10वीं क्लास के धातु चैप्टर के दो अंकों वाले क्वेश्चन। आज भी हम इसके दो अंकों वाले क्वेश्चन करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, दो धातु के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है तथा दो धातुओं के नाम जो यौगिक अवस्था में पाई जाती है। आंसर है मुक्त अवस्था में सोना और प्लेटिनियम, ये क्या है प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। यौगिक अवस्था में कॉपर और एल्यूमिनियम, कॉपर और एल्यूमिनियम यौगिक अवस्था में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधात वर्ध्यता और तन्यता किसे कहते हैं, इन गुणों की उपयोगिता लिखो। देखो, अधात वर्ध्यता धातु को पीट कर चतरे बनाने के गुण को क्या कहते हैं, अघात वर्धनता कहते हैं। जैसे भी लोहा है, एल्यूमिनियम है, इसको क्या है पीट पीट कर इनकी चतरे बनाई जा सकती है। सोने में चांदी के वक्र इस गुण पर आधारित होने के कारण बनाए जा सकते हैं। तन्यता धातु के पतले तार को खींचने की क्षमता तन्यता कहलाती है। सोना सबसे अधिक तन्य है, 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। धन्यवाद सभी को। इससे नेक्स्ट वीडियो में भी हम दो अंकों वाले क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद में बड़े क्वेश्चन करेंगे। धन्यवाद सभी को।